जय माता दी। चैत्री नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भये भयोस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भय को नाश करने वाली, सुख शांति लक्ष्मी देने वाली और परिवार में समृद्धि देने वाली माँ जगदम्बा को प्रणाम। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में चैत्री नवरात्रि है, तो 2 तारीख को सुबह 8:05 से 8:30 के बीच में घर में माता जी की घट स्थापना करें। तो घट स्थापना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले घर का मंदिर स्वच्छ करेंगे और मंदिर के बाजू में छोटा सा पाटा लगाएंगे और पाटे के ऊपर लाल कलर का थोड़ा कपड़ा रखेंगे। लाल कलर का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर थोड़ा चावल और चावल के ऊपर पानी का भरा हुआ कलश रखेंगे और कलश के अंदर अबिल, गुलाल, कुमकुम, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। कलश के चारों दिशा में तिलक करेंगे और कलश के ऊपर 5 नागरवेल के पान रखेंगे और नागरवेल के पान के ऊपर 1 नारियल, नारियल के ऊपर टीका और माता जी की चुंदरी रखेंगे नारियल के ऊपर। तो यह घट स्थापना हुई, फूल और चावल पूरे मंदिर में लगा के उसकी आरती करेंगे और 9 दिन तक सुबह और शाम बन सके तो आरती करनी चाहिए, क्योंकि माता जी जो है वो शक्ति है, माता जी है वो लक्ष्मी है और माता जी है वो सरस्वती, मतलब बुद्धि है, ज्ञान है। तो शक्ति सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भये भयोस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हर प्रकार के घर की जो भय हो, घर के अंदर रुकावटें हो, लक्ष्मी टिकती न हो, काम के अंदर बाधाएं आती हो, तो माँ जगदम्बा जो है वो सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो श्रद्धा पूर्वक आपके परिवार के साथ नवरात्रि का जो त्योहार आ रहा है चैत्री नवरात्रि का, वो मनाइए, उससे माँ जगदम्बा प्रसन्न होगी और आपके सब कार्य सिद्ध हो, ऐसी माँ जगदम्बा के चरणों में हृदय से और अंतःकरण से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी।